चपरासी की नौकरी में कोने हो गुजारा बाबू के बात भाई चपरासी का दरबार कौन चलता 12 लाख तो रही नौकरी अच्छी अस लाग रही है भाई और क्या चाहिए तने तो 12 लाख रही होगी मैं थोड़ी लाग रहा हूँ कर ले कि रिश्ता मतलब ब्याह घुटाना बेहद ज्यादा जरूरी मेरे खातर इस ग्रुप डी की नौकरी तो ये आप सभी ने देखा ग्रुप डी सीजन 2 का ट्रेलर। सीजन 1 को अपार सफलता के बाद एक बार दोबारा से स्टार कास्ट ने और डायरेक्टर ने आप सभी लोगों के लिए ग्रुप डी का सीजन 2 बनाया है और इसको लेकर के सभी के मन के अंदर एक्साइटमेंट है क्योंकि अगर स्टेज ऐप की बात की जाए स्टेज ऐप लगातार हरियाणवी कलाकारों को प्रमोट करता हुआ आया है और अगर अब की भी बात की जाए तो अब दोबारा से इसकी स्क्रीनिंग आज हिसार के सनसिटी मॉल के अंदर रखी गई है और स्क्रीनिंग के बाद कल से जो है स्टेज ऐप के ऊपर आप सभी को देखने को मिलेगी ग्रुप डी का सीजन 2। और हरियाणा की एक स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे सरकारी नौकरी के पीछे हम सभी भागते हैं और उसी लड़के की शादी होती है जिसके पास सरकारी नौकरी होती है, लेकिन क्या हो जब लड़का चपरासी लगा हुआ हो और लड़की HCS की सरकारी नौकरी लगी हुई, यानी कि हाई लेवल की सरकारी नौकरी लगी हुई, और इनकी शादी के बाद क्या कुछ होता है। अगर आपने ग्रुप डी का सीजन 1 देखा है तो सीजन 2 देखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत सारा ड्रामा इसके अंदर रचा गया है और किस तरीके से एक हरियाणवी कल्चर के अंदर सरकारी नौकरी को इम्पोर्टेंस दी जाती है इसको लेकर के ये पूरे का पूरा सीजन 2 रखा गया है। तो देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके कैरेक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद है उनका क्या कहना है। हाँ मतलब पारो कहीं ना कहीं निशा जैसा ही कैरेक्टर है, मेरा नाम निशा है और कहीं ना कहीं पारो कहीं ना कहीं नहीं मतलब बिल्कुल मिलती जुलती है निशा से। तो जैसे हरियाणा की बात करूँ मैं हरियाणा में ही पली बड़ी हूँ, पानीपत से मेरी पैदाइश हुई है और मेरे फादर जींद के थे तो प्रॉपर हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। तो वही सब चीज़ें हमने भी अपने टाइम पे जब हम पढ़ते थे लाइक आई डिड मास्टर्स इन जर्नलिज्म तो बहुत मुश्किल से कि पढ़ने जाने देना है ऐसी जगह जाने देना है क्या काम करना है ये फील्ड बहुत एक्सप्लोर करने वाली है वो करना भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पारो जैसे लड़ती अपने हक के लिए वैसे ही निशा भी लड़ी अपने हक के लिए तो वो बहुत सिमिलर था तो वो बहुत मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो किरदार जो दिखाया गया पारो का वो असल ज़िंदगी में क्या घरों की कहानी है मतलब हरियाणा की। हाँ बिल्कुल, ये मैंने क्यों अपने आप से कनेक्ट करके बताया क्योंकि अगर वो मेरी कहानी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जितनी भी लड़कियाँ होंगी मैक्सिमम इफ़ आई कैन से तो मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है और हरियाणा में नहीं ये बहुत जगह है ऐसा जहाँ पर आज भी लड़कियाँ बहुत ये जैसे पारो ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो लड़के से शादी करेगी और उसने पूछा उससे कि तुझे मेरे घर आके रहना पड़ेगा तो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग अगर हरियाणा की बात करें तो। इस तरीके की अगर हम बात करते हैं एज अ लड़की मतलब एज अ गर्ल अगर बात करें तो शादी की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में दिखाई गई कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं होती तो शादी नहीं होती है तो एज अ गर्ल आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले तक लोग ऐसा सोचते थे लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पसंद नहीं आते थे तो मुझे होता था अगर मुझे मिले भी तो मैं नहीं करूँगी नहीं मैं शादी नहीं करूँगी ऐसे तरीके से। हाँ तो अब नहीं है ऐसा क्योंकि प्राइवेट में आपको बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप मुझे लगता है जो आपका मन चाहता है आप वो काम करो तो मे बी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो इस चीज़ में। स्टेज ऐप की अगर हम बात करें तो स्टेज ऐप से आपको क्या लगता है कि हरियाणवी कल्चर को कितना बढ़ावा? अरे बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में मैंने शुरू से ही सिर्फ गाने बनते हुए देखे थे। हरियाणा में कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल को किसी ने शुरू किया ख़त्म किया बंद हो जाता था ऐसा ही था, लेकिन स्टेज ऐप डिड अ वेरी ग्रेट जॉब आई थिंक कि हरियाणा में ये पता होना कि हरियाणा में एक्टर्स हैं, हरियाणा में डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं तो ये कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप था और मुझे लगता है इट विल गो फार एंड फार। आप अपना फ्यूचर हरियाणवी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखते हैं? नहीं हरियाणा वाला काम मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जैसे अभी आगे मिल रहा है और भी और सारे ऐप्स के लिए तो वो भी मैं आई डेफिनेटली डू दैट, बट हरियाणा मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी नींव बनी है आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट माई रूट्स तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐप्स के साथ हैं, अभी कुछ सीरीज़ है, कुछ सॉन्ग सीरीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं हमारे पास ऐसी जो हम इन हाउस करके कुछ स्टोरीज़ बना रहे हैं तो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए है अभी आगे बहुत काम। सिमिलर ऐसा ही ऐसी मैं हूँ जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ
कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों ऐसे ऐसे ऐप्स पे मूवीज़ सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियाँ हम रिलेट कर पाते हैं अपनी फैमिली से, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं प्रेफर करूँगी ऐसी चीज़ें, मुझे जहाँ खुशी मिलेगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी। भाई सारे लोगों का आने खातर बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया वाले भाइयों का धन्यवाद। तो यह ग्रुप डी की टीम है भाई मारी, ये हरिओम कौशिक जी हैं, ये ग्रुप डी में इन्होंने शंकर का रोल किया है, मतलब जो महेश के भाई है लीड कैरेक्टर के, और ये महेश है मतलब सुमित धनखड़ है, तो इनके कैरेक्टर का नाम महेश है, मेरे को महेश ही घूमता है। फिर ये राजेश भादू जी हैं, इन्होंने सेकेंड सीज़न लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। विनय सर हैं, हमारे स्टेज के फाउंडर हैं, और दीपक है, दीपक इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है, और साथ में इन्होंने एक कैरेक्टर किया है संजय का। तो प्लीज़ शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा एक बार बता दें इसके बारे में क्या स्टोरी है। बस मैं तो ख़त्म हो गई थी लगभग, बता दीजिए। अरे जी आप करो बताओ। जैसे स्टोरी तो बेसिकली सरकारी नौकरी के ऊपर है, एक युवा की कहानी है, मतलब हर घर की कहानी कह सकते हैं हम इसको, कि जैसे हर लड़का नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी हर किसी की इच्छा होती है कि बड़ी नौकरी पर लगूं। अब जो ग्रुप डी वन सीज़न पहला सीज़न हमने किया, उसमें ये था कि पीएचडी कर रखी है, एमएससी कर रखी है लड़के ने, जो महेश का कैरेक्टर है, वो फिर भी ग्रुप डी में लग जाता है क्योंकि नौकरियां नहीं मिलती, तो ग्रुप डी की भर्तियां निकलने के कारण वो ग्रुप डी में लग जाता है। अब ग्रुप डी की ज़िंदगी जो है वो उसके सपनों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। जैसे उसके सपने हैं ग्रुप ए के सपने हैं, अफसर बनने के सपने हैं, तो ग्रुप डी में उसके ऊपर जो उसके ऑफिसर्स हैं जो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, ताने मारते हैं, एक बहुत अलग तरह की ज़िंदगी है। दूसरा जो पारो है लड़की है वो एक एचसीएस अफसर है, तो बहू का एचसीएस अफसर होना और खुद एक ग्रुप डी कर्मचारी होना लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग हो जाता है। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से कि बहू तो एचसीएस अफसर है, छोरा ही बेचपड़ासी है। तो इस तरह की कहानी है ग्रुप डी सीजन टू में। बाकी सुमित एक फैमिली ड्रामा है, महेश एक ऐसा करेक्टर है जो लगभग हरियाणा में हर घर में है, क्योंकि हरियाणा में लगभग सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है तो ब्याह उसका है, सरकारी नौकरी है तो इज्जत मिलेगी आपने, मतलब तो सरकारी नौकरी पे ज़्यादा फोकस है हरियाणा, तो पुलिस में भी फौज में भी अपने हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए बेसिकली बस ये एक फिल्म है जो सरकारी नौकरी पर बेस है, और एक ये कहानी हर घर में गांव में लगभग लोगों के लिए है, बना है। अगर रियल लाइफ में सोचा जाए तो क्या आप इसके फेवर में हैं? फेवर में कैसे, मतलब समझ में नहीं आ। जैसे मान लो कि लोगों की थिंकिंग ऐसी क्यों है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही लड़के, नहीं ऐसा मैं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही सही है, अब लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। सरकारी नौकरी हालांकि अब है ही नहीं, बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा तो हर घर में ही, हमारे भी घर में भी, जैसे कलाकार लाइन में हूँ मैं, तो मेरे घर वाले कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि करना रहे हो सब, बढ़िया नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, कम से कम तो परमानेंट पीछे आऊँ घर में, तो ये तो हर घर की कहानी है। ग्रुप डी टाइटल का आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि नौकरियाँ तो बहुत सारी हैं। ग्रुप डी कहाँ है मैडम, 34% बेरोजगारी है हरियाणा में, बताओ नंबर बन रहे हैं सारे देश में, नौकरी कितने। सरकारी नौकरी बहुत सारी है ग्रुप डी, एक्चुअल में क्या है ग्रुप डी टाइटल ही क्यों चुना? 2018 में ना सबसे ज़्यादा हरियाणवी मतलब हरियाणा में भर्तियाँ निकली थी ग्रुप डी की, तो उससे एक थॉट आया था कि इसके ऊपर कुछ बनाया जा सकता है, तो कबीर दया ने इसके ऊपर पहला सीजन उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट किया, तो उनके दिमाग में ये थीम आई थी कि इसके ऊपर कुछ स्टोरी बनाएं, तो उसको हमने फिर एक ग्रुप डी ही नाम दे दिया टाइटल। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, जैसा ये अपनी हिसार में और कड़वास गांव है हिसार के बिल्कुल पास में, सारी शूटिंग वहीं हुई है सीजन वन की भी और सीजन टू की भी। जैसा सीजन वन को रिस्पॉन्स मिला क्या उम्मीद कर रहे सीजन टू को भी मिलेगा? आशा तो है कि उससे ज़्यादा ही मिलेगा। दोनों पार्ट में कंपैरिजन करें तो कौन सा आपको बेस्ट कौन सा लगा? सेकेंड पार्ट ज़्यादा बेस्ट लगा, क्वालिटी वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी बहुत सर, और स्टोरी वाइज भी। जो एक इंग्लिश में लाइन कहते हैं प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, पहले प्रैक्टिस करें दूसरा परफेक्शन आ गई। अगर टाइम की बात करें तो इस
सीजन टू को बनने में टोटल कितना समय आपको? टोटल तो सर 6 महीने हम इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं 6 महीने से, और शूटिंग टाइम पीरियड बहुत कम था हमारा, 10 से 12 दिन में हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। ग्रुप डी का कोई सबसे अच्छा पार्ट या फिर डायलॉग? बहुत सारे हैं वैसे तो। आपका फेवरेट? एक डायलॉग है कि साइड ट्रेलर में भी है वो, कि ग्रुप डी तो मतलब ब्याह तो ज़्यादा जरूरी मेरे खातर, इस ग्रुप डी की नौकरी तो निकलना है। तो एक वो सिचुएशन ऐसी थी कि नौकरी ब्याह शादी छोड़ो, पहले मुझे नौकरी से निकलना है, मुझे इससे बड़ी नौकरी करनी है, क्योंकि इतनी ताने और समाज के सुन लिए थे कि भाई तेरी बहू HCS है, चपरासी 12th पास होने के बावजूद ताने मार रहा था कि भाई तू पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं उनकी ताने सुन रहा था। तो वो स्ट्रगल था महेश का और उसे निकलना चाह रहा था। आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल कहाँ स्टार्ट हुआ था? स्टूडेंट से यहाँ तक का सफर कैसे, कौन सा ग्रुप डी तक? कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ था। कॉलेज में मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से इस फील्ड में घुसने की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर भी बनूंगा या फिर फिल्म लाइन में जाऊंगा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने मनीष सर हैं भाई थिएटर, वहाँ से मैंने 4-5 साल थिएटर किया, फिर हाँ जी फिर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ, मैंने सुपा फिल्म इंस्टीट्यूट है रोहतक में, वहाँ मैं गया, और फिर धीरे धीरे वहीं से ही हमने अपना ग्रुप बनाया एक इन्फिनिटी क्रिएटर्स नाम से। तो फिर वहाँ से सिर्फ हमारे साथ स्टेज ऐप जुड़ गई, जो हमें बोले कि चलो अब स्टार बनाते हैं, काम करते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री। कह रहे वन में स्टोरी खत्म हो गई थी, क्योंकि फिर घरने में समस्या कितनी आई, या तो उसी को दोबारा से उठा के लिखना, क्या अलग लिखा वन और टू में, फर्क क्या लगा? मतलब जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है, मतलब ग्रुप डी सीजन वन ऐसा था जो हिट होने के बाद हमें टू बनाने की डिमांड आई एक्चुअली, कि दो इसीलिए बनाया गया क्योंकि पहला इतने ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि कैरेक्टर्स को वैसा का वैसा रखना, जैसा उन्होंने लिखा है कबीर भाई ने जो पहला सीज़न लिखा, तो वो बहुत उनकी एक थिंकिंग थी, जैसे अपने कैरेक्टर्स के लिए राइटर पेरेंट होता है, तो वो उनकी परवरिश थी, उन्होंने अपने हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे, तो जितना हो सके वो चीज़ बनी रहे, वो पहले जैसा ही लगे, ये कोशिश की गई है, ये रखा है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स में मैं मतलब इन्वॉल्व हो पाया उतना ज़्यादा उनको लिखने की कोशिश की, तो सेम आपको लगेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं लगेगा कि अलग बनाया गया। बड़े भैया कितना गुस्सा कितना रहा इस पूरे जो माहौल बनता रहा उसमें, गुस्सा कितना रहा? बढ़िया, एक अलग अनुभव रहा, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ परिवार में, और बड़े भाई होने की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, अक्सर देखते हैं हम, तो वैसा इस कहानी में भी था और बहुत ही मज़े आए। तो मतलब मज़े आए, एक केयर होती है एक तरीके से, छोटा भाई को अपने भाई के साथ साथ बेटे की तरह भी आप रखते हैं बड़ा भाई होने के नाते, तो वैसा ही रहा। लेकिन साथ में जो भी पीछे मैम ने पूछा कि हाँ इसमें मेरे डायलॉग, मैं भी यही चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी करें, लेकिन पर्सनली ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन स्कोप होते हैं, आजकल फ्री रहना चाहिए, जो बच्चे को जो मन हो वो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर कभी आवाज़ की डबिंग करानी हो तो एक इंसान का नाम मैं बता देता हूँ आपके सामने बैठे, सेम आवाज है, मिला के देख लो। और सीजन वन में स्टोरी रहेगी तो आपने टू बनाया, क्या टू में स्टोरी कंप्लीट हो गई या थ्री की भी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में वैसे तो मैम फर्स्ट में भी कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट ही हो गई थी, वो टू में हमें बनानी पड़ी थी दोबारा से पीछे से, वो बस सीजन थ्री तो इस बात पर डिपेंड करे ना कि कितना प्यार मिला, जितना प्यार देगा हरियाणा उससे ज्यादा प्यार मिलेगा, तो क्या सीजन 3 भी आएगा? वो उनसे पूछो, 100% और इसलिए बना लग रहे हैं सीजन 1 से 2 इसलिए बनाया। वो अभी रास्ते में है, पारो दौड़ती दौड़ती आ रही है रास्ते में, मैं कहने आया था हमारा मेन कैरेक्टर तो मिसिंग है पारो, उससे उसने पूरी वेब सीरीज उठा रखी है पूरी। थोड़ी देर आपको इंतजार करना चाहेंगे, सारी जो सुपर डुपर हिट हो गई है अभी लगभग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि पहले नहीं इतना रिस्पांस लिया है, दूसरा लगभग लग रहा है कि सुपर डुपर हिट हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, पहले को ही इतना प्यार मिला था उसी की वजह से ही इतनी डिमांड आई और हमने सेकेंड सीजन बनाया, और अभी ही हमें इतना मतलब मिल रहा है कि जल्दी से रिलीज करो, हमें देखनी है, बहुत सारे लोग बोल चुके, तो हमें है कि कब तक रिलीज करना है? कल 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 आप कल आज स्क्रीनिंग है? हाँ अभी स्क्रीनिंग है। साथी विनय जी हमारे बीच में, विनय सिंह जो है फाउंडर हैं स्टेज ऐप के, भिवानी से ही बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से हैं बहल के पास से, तो उन्होंने आइडिया जो शुरू किया अपने हरियाणवी जो कलाकार थे उनको आगे लाने के लिए स्टेज ऐप का शुरू किया, उनसे जानते हैं कि मतलब वो इस पूरी ऐप के बारे में उनका क्या कहना है। सर अगर बात की जाए हिंदी वेब सीरीज की तो वो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है, जब आपने स्टेज ऐप शुरू की तो आपको लगा था कि हरियाणवी जो है इतना ज़्यादा डिमांड में होगा? तो
मैडम जब हमने चालू करा तो सारे नोवेल के लिए हिंदी बनाओ, हरियाणवी को बनाने लग रहे हो, हरियाणवी कौन देखेगा कौन देखेगा। मेरे ख्याल में तो मैं खुद यहाँ से हूँ, इंजीनियर हूँ, कंपनी बनाई, इससे पहले भी एक कंटेंट कंपनी बना रखी थी, तो आइडिया इसी वजह से आया कि भाई आज तमिल, तेलुगू, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, जिसमें देखो आप OTT है, अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, अपनी फिल्म बनाने लग रहे हैं। वो हम तो भाई हरियाणवी बोल बोल के बड़े हुए, हमारी कल्चर एकदम अलग, हमारी बोली एकदम अलग, फिर हरियाणवी में कोई फिल्म, कोई वेब सीरीज ये सब क्यों नहीं बनती? और इसी बात के ऊपर बेसिकली हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हम हरियाणा का OTT बनाओगे, हरियाणा का नेटफ्लिक्स बेसिकली बनाओगे। स्टेज का आइडिया इसी बात के ऊपर बनाया गया। 35 मिलियन, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है अपने हरियाणा की, 3.5 करोड़ हरियाणवी बोल रहे हैं, समझे हैं, ईस्टर्न यूपी मिला लो, वेस्टर्न यूपी मिला लो और ईस्टर्न राजस्थान मिला लो आप, तो और भी करीब 5 करोड़ लोग हो जाएंगे जो हरियाणवी बोल रहे हैं, समझे हैं, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। समस्या ये थी कि किसी ने कंटेंट नहीं दिया, समस्या ये, और वो कंटेंट क्यों नहीं दिया, कलाकार थे ये सारे, कलाकार कितने, कलाकार की, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की कोई कमी नहीं थी, कमी थी किसी प्लेटफॉर्म की। वे पीछे कौन दे, वे बना दे, वो कोई थिएटर रिलीज नहीं करता हरियाणवी फिल्म, तो पीछे कौन देगा, ये सारी कहानी के पीछे नहीं मिलेंगे तो कलाकार आपके घर तक कितने दिन लगा होगा, और मान लो घर तक लगा के बना भी देगा तो उसने रिलीज कित करे, रिलीज कितनी होगी, तो उसने देखेगा कौन बेसिकली, राइट? तो वो जो मान लो मुर्गी पहले आएगा अंडा पहले, वो वाली समस्या होगी, रिलीज को नहीं होगा तो लोग देखें नहीं, लोग देखें नहीं तो थिएटर रिलीज नहीं करे, वह फिल्में नहीं बनी कदे। तो उस दिमाग ने बस उस समस्या ने सॉल्व करते हुए, मैं खुद इंजीनियर हूँ बाई एजुकेशन, मेरे दो पार्टनर हैं वो भी इंजीनियर हैं, तो हमने लगाई यार आजकल OTT का जमाना है, हम अपना OTT बनाओगे, अपना नेटफ्लिक्स बनाओगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम खत्म। हर आदमी के आज का दिन फ़ोन है, हर आदमी के दिन आज का दिन इंटरनेट की कोई समस्या नहीं, फ़ोन के ऊपर है बनाओगे, अपने कलाकार मतलब अपना हरियाणा में कोई कमी है नहीं, उन्होंने मौका देवांगे और कलाकार ने अब सब्सक्रिप्शन थ्रू बेसिकली आने वाले टाइम में स्टेज आपको कहां देखते हैं, क्या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और इनको टक्कर दे पाएगी? ना कुछ चुने जमा देंगे मैडम, आपको ये बता रहा हूँ मैं तो सीधी सी बात, ठीक है, जमा हरियाणा में तो आज का दिन अब नेटफ्लिक्स तो बड़े हैं, 20 लाख यूज़र हैं अपने पूरे हरियाणा के अंदर, स्टेज ऐप के घर घर के अंदर पहुँचने लग रहे हैं, कोई मतलब, और इतना प्यार दिया है हरियाणा ने जिसका मतलब हम जितना भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, जितना भी मैं बताऊं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मैं कह दूं, कोई मतलब ये जेन्युइनली इतना जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला। 20 लाख यूज़र 2-3 साल के अंदर अंदर हो गए तो बहुत बड़ी बात है, हरियाणा खूब प्यार देने लग रहा है, हरियाणा खूब एक्सेप्ट करने लग रहा है, पीछे भी देने लग रहा है भाई, और छोड़ो मैंने चालू कराया उस टाइम सब बोल रहे पंजाब में करो, पंजाबी आपकी कला ने पीछे देवे हैं, कलाकार ने पीछे देवे हैं, हरियाणवी आपके कलाकार ने इज्जत नहीं देते, हरियाणवी आपके कलाकार ने पीछे नहीं देते, मतलब यार करो तो सही, हरियाणा के कलाकार ने हम देवांगे पीछे, फिर हरियाणा अपना पीछे देगा उस कलाकार खातर। आज ये कलाकार हैं, पारो जब ग्रुप डी रिलीज होते मेरे ख्याल में शायद उसकी दूसरी वेब सीरीज थी, उसके पहले कैंप अनवास करी थी, आप मानोगे नहीं हमारे कस्टमर केयर पर पारो खातर इतने लोगों ने लगा कि पारो की अलग तो वेब सीरीज है, नई कलाकार, कोई जाना माना चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सुमित पहली वेब सीरीज है, आज लोग मतलब मेसू ने लाओ, मेसू की दूसरी वेब सीरीज लाओ, मेसू बताओ कौन सी और वेब सीरीज में, हमारी कम से कम 5 वेब सीरीज में आ गया। तो बात यह होगी प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा, जनता तक अच्छा कॉन्टेंट पहुँचेगा ना, तो पैसे भी देगी जनता, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आज के दिन मतलब अपनी वेब सीरीज आप सब, तो मेरी गुजारिश है कि आप जाओ डाउनलोड करो देखो एक बार, जो हिंदी वेब सीरीज था आपने जैसे कंपेयर किया शुरू में, मैं कहूँगा आप करो एक बार जाके कंपेरिजन, और आपने अगर 19-20 का भी फर्क पाया तो हम तो बताओ हम सुधारेंगे उसने, हिंदी वेब सीरीज तो किमें बढ़िया बनाना है,